गाइस आई एम इन द रेंज रोवर। आज तुम्हें रेंज रोवर की वो दिखा दूं अहमियत कितनी है भाई, बहुत ज्यादा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी मस्त मजे में रह रहे होंगे। तो एक और खुशखबरी के साथ मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। कल 4 मैच हुए थे, 4 में से हम 4 जीत गए। जो मैं बोल रहा था कि कल सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल था आज, और आज हम हार चुके हैं। हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारे पूल में 40 टीम थी, 40 में से हम सेकेंड टीम मतलब सेकेंड नंबर पर आए हैं। अब उसके बाद जो 4 टीम और होएंगी उनका फाइनल होएगा। और भाई हम यहाँ पर रुके थे खाने के लिए, मतलब क्या खाया यहाँ पे कुछ नहीं खाया था। जो जहाँ पे हम पहले रुके थे ना, मतलब स्कूल में बाहर वहाँ पे होटल था, वहाँ पे खाया था सब कुछ। वहाँ पे भाई होटल का नाम बताऊँ मैं, चौधरी ढाबा। चौधरी भाई क्या हो गया? चलो तो चल रहे गाइस, अब मैं जा रहा हूँ घर पे बस में। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने स्कूल में। भाई बड़ा दुख सा हो रहा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे पता नहीं क्या भैया क्या बन रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा है? टूटी वो वाली जिसे पानी भी आए करेगा भाई, जिसे पानी आए करेगा, जिसे पानी आ करेगा। अब क्यों टंकी में तो भाई पानी आता ना, पीछे टंकी पीने तुम्हारा दूध आता है क्या? दूध हमारा दूध आता है। अच्छा जी, तो यार तुम्हारा छाया हुआ है। वाह यार, मेरे में तो गन्ने का जूस आ गया, गन्ने का जूस मेरी भाई। यहाँ पानी आएगा यहाँ पे पानी आएगा। चलो कोई नहीं, सबकी अलग अलग वो है भाई, ये चल ले अपने अपने अपनी टंकी में बता दो क्या क्या आता। मेरे में गन्ने का जूस, इसकी में छाए, और इसकी टंकी में दूध, और तेरी टंकी में क्या है? मट्ठा। अबे छाए तो इसकी टंकी में आवे दही आवे मेरी। अच्छा भाई, इसकी में दही आता, दही को मिला के वो बनता है। छोटू में स्प्राइट आती है, छोटू तो प्रोफेशनल है भाई। चलो हम जा रहे हैं अपने घर, घर पे जाके मिलूंगा। सोच रहा हूँ मम्मी से जाके क्या बताऊँ यार, क्या शक्ल दिखाऊंगा मैं। गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और टाइम हो रहा 7 बजे। मैं आ गया था 5 बजे, तो फिर मैंने आके रेस्ट किया थोड़ा सा। फिर भाई सुदाम भाई आ गए, आज मैं लेकर चल रहा हूँ स्वादी में ही मजेदार वाली स्टार हेरिटेज में, जो की यही आस पास है। चल रहे हो भाई? मैं चलेंगे भाई, कपड़े तैयार। भाई तो तुम तो तैयार हो, फिर चलो। मैं तो तैयार हूँ भाई, तो चलो भाई। एक बात बताओ, हट दे, 2 मिनट साइड दे। मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या भाई, इसे हिंदी में बता दो तुम भाई। ये बाल किसके चिपकने भाई? भाई बाल, अबे बाल से क्या मतलब है यार। चलो अच्छा तुझे दिख गया, चलो कोई बात नहीं, पब्लिक को क्या दिख रहे हैं। हम तो रोटी खाने जा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत तगड़ी। तो यार मैं डाल लेता हूँ व्हाइट वाली जैकेट, क्या पता ब्लैक पे अच्छी लगे है ना। मुझे तो लग रहा है ब्लैक पे अच्छी लगेगी भाई। व्हाइट शूज पहने, व्हाइट शूज। हाँ सही कह रहा भाई। तो भाई अभी देख के बता दो अच्छा लग रहा है ना, कमेंट कर दो हाँ भाई तुम अच्छे लग रहे हो, बस यही कह दो भाई हिंदी में। तो मैं एक बार तू तो कहते हैं बढ़िया, अभी तो पूरा तैयार तो। अरे हाँ भाई पूरा तैयार तो हूँ। चलो तो गाइस मैं तैयार होके इसके घर पे जाके मिलता हूँ आपसे। सो हेलो गाइस, देखो भाई कुछ तो यूनिक लग रहा हूँ ना मैं आज। जिस दिन कुछ नए कपड़े पहन लो ना भाई, बंदा अलग ही दिख जाता है, जैसे मैं दिख रहा हूँ पुराने। अबे कपड़े तो नए हैं, मुझे पुराना बता रहा है तू, कोई दिक्कत नहीं है। नाइक एडिडास। तो चलो मैं चलता हूँ भाई, आज सुधा में जल्दी आ रहा भाई, पीछे से खड़ा लिफ्ट बुला ले भाई, पीछे जैकेट फट रखी है भाई, फट रखे ले सील ले, ले सील ले। कहाँ से फट रही भाई, तुम बता दो कहाँ से फट रही है। लो और कुछ है? क्या नाम है? प्रशांत त्यागी बढ़िया भाई, लोग नावे लूट नहीं, ठीक है भाई। हैं भाई न्यू जान पहचान भाई की, आजा चल बाहर चल रहे हैं। तो भाई पहली बार तो मैं ये लोंडा दिख रहा होगा, इसका नाम है क्या नाम है, लक्की त्यागी भाई, बढ़िया लोंडा एक नंबर का। अभी बाहर जा रहे हैं, पर भाई थोड़ा फोटो का ज्यादा शौकीन है, बंदी कर दे। तो गाइस आई एम इन द रेंज रोवर। आज तुम्हें रेंज रोवर की वो दिखा दूं अहमियत कितनी है भाई, बहुत ज्यादा अहमियत है। पब्लिक से पूछो कितनी अहमियत है भाई, तू बता कैसा लग रहा है भाई? मैंने पिज्जा ही कही थी, पिज्जा की जगह ऊपर क्या डालते हैं, चीज डालते हैं, मतलब चीज नहीं, ओरिगैनो डालते हैं। ये पता क्या करके लाया, सॉस साइड में रख के लिया, और क्या थी दूसरी, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स साइड में रख के, और वहां पे जाके तू पक्के खा रहा है। मुझे ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लगता है, मैंने कुछ और बोला था भाई, इसमें बुद्धि ना है। शादी में से आ चुका हूँ, और हमारी मम्मी लगी हुई है फोन में। ये है बॉय, मम्मी ठंड लग रही है आपको?
अब ना लग रही तो ये जर्सी को पहन के रख रखी है। जैकेट सब्जी लेने गई भाई शादी तो तुमने देख लिया। खैर मैंने इतनी ज्यादा वीडियो ना बनाई क्योंकि भाई शादी में क्या करने जावा है, खाने जावा है। और बाकी जो भी दोस्त मिल जाओ, सबसे मुलाकात हो जावे, जो भी बिछड़े हुए दोस्त हैं, जो भी मैं जहाँ पहले रहता था बहुत सारे दोस्त मिला, आज तो हद से ज्यादा मैं बहुत सारे दोस्त मिले कृष्णा नगर के और जानने वाले भी। हमारी मम्मी अभी बिजी है, नो रिप्लाई, कुछ भी नहीं कहेंगी भाई हमारी मम्मी। और पापा जी सो गए रात, मैं दो तीन दिन से नहीं था तो दो तीन दिन से पूछ रहा हूँ क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा। यहाँ पे जागरण हुआ रात के टाइम, सुबह आए 8 बजे, कल गए थे वहाँ शादी में, हमारे भाई के लड़के की शादी थी वहाँ पे, पूरे मजे करते भाई हमारे मम्मी पूरे ये नाच रही। और हमारा वो देखा तुमने छोटा सा रचित भाई, उनने तो आतंक ही मचा दिया। मैं दिखाऊंगा तो मैं अभी गाँव में जाऊंगा, बहुत दिन से मैं गाँव में नहीं गया मम्मी, गाँव का भी सफर ही नहीं कराऊंगा मैं जल्दी। दो तीन दिन तो हो गए तब तो गया। मैं कब गया गाँव में उसके साथ? ना गया कब गया साथ में? तोमर नहीं, मैं गांव में नहीं गया था। मठा कौन ले पाया? कब वो यस लाया? यस लाया मठे हाँ। की दो बोतल आई। हाँ चाय की, वो खुद लाया और खुद पी के गया। नु कहा जल्दी दे, एक गिलास में भूख लग रही है बहुत तेज। तो भाई यही सिस्टम चलता है भाई हमारा, तो घर परिवार में सब मजे ले। मैं गाँव में जाऊंगा, गाँव में मिलूंगा। इतना सौ भाई वो पूरा ऐसा ऐसा नाच रहा जैसे मैं पहले वीडियो देख रहा था, मुझे पता नहीं था ये खून है। मैंने जब अच्छे से देखा, जब उसने फेस घुमाया कैमरे की तरफ आया जब उसका फेस, तब मुझे पता चला अच्छा ये तो अपना छोटा भाई है। मैं उसे ही नहीं पहचान पाया क्योंकि वो अजीब तरीके से डांस कर रहा भाई, 8 साल का वो जो व्लॉग डाला वो वाला लड़की नहीं, वो तो भांजा है मेरा, वो छोटा भाई है जिसके मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम समझ पा रहे हो ना। तो गाइस आज के व्लॉग शॉर्ट एंड सिंपल, कल से वही डेली रूटीन, स्कूल जाओ पढ़ो, फिर शाम को आओ ट्यूशन जाओ, आके थोड़ा सा फिर पढ़ो फिर सो जाओ, तो कल से ये रूटीन होने वाला है। और परसों है कुछ एक न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग, क्या पता मैं वहां पे जा पाऊं या नहीं जा पाऊं, अभी कुछ नोट कंफर्म, कुछ भी कंफर्म नहीं है। जो भी होगा मैं आपको सब चीज बता दूंगा। तो आज के व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूं क्योंकि भाई सिंपल था आज के व्लॉग, कुछ नहीं था, बस टीम हार गई, बस ये सबसे बड़ा दुख था, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था, सबसे बड़ी माइनस चीज थी हमारी ये। तो आई होप आप सभी को लोग अच्छा लगा, तो लाइक करो शेयर करो, एंड चैनल पर नहीं हो न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। सो टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।